आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब उम्मीद नहीं रहती है तो उम्मीद की एक ही किरण काफी होती है लोगों में जोश भरने के लिए। आज हम बात करेंगे वही उम्मीद की किरण, आसमा जहांगीर की। आसमा जहांगीर की बात करें दोस्तों, तो 2018 में इनका निधन हुआ। गोली नहीं मारी गई थी, नेचुरल कॉजेज से इनकी डेथ हुई थी। तो आसमा जहांगीर है कौन? पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी लॉयर और ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थी। इनको लिटिल हीरोइन बोला जाता था। भिड़ गई थी ये, सारी अथॉरिटीज से भिड़ गई थी। पाकिस्तान में लोगों के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये खड़ी हुई थी और आवाज उठानी शुरू की थी। उन लोगों के केसेस लेती थी जो इस सिस्टम से पीड़ित थे। तो आज हम बात करेंगे आसमा जहांगीर के बारे में, देखेंगे उनकी लाइफ। बड़ी लेजेंडरी कहानी है दोस्तों, बहुत सारे इनको रिकॉग्निशन मिले हैं, काफी अवार्ड्स भी मिले हैं, सारी चीजें देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। sid_reconnect मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है दोस्तों। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, कोर्सेज लीजिए, आराम से घर बैठ के एग्जाम की तैयारी करिए, नोट्स बनाइए। हम बिल्कुल आपके साथ हैं, आपका एग्जाम जरूर निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान छोटा सा देश है, पड़ोसी देश है। पहले सब कुछ भारत का हिस्सा था, 1947 में कट के अलग देश हो गया पाकिस्तान, हम सबको पता है। अब पाकिस्तान में ये आप देख सकते हैं स्टेट्स हैं, ठीक है, और ये उनकी कैपिटल्स हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स यानी कि स्टेट्स और ये उनकी कैपिटल। तो सबसे पहले तो आजाद कश्मीर मतलब POK। आपको पता है कि पाकिस्तान क्या चालाकी करता है? पाकिस्तान ने अभी तक ये नहीं बोला कि POK हमारा है, मतलब कश्मीर हमारा है, वो कभी ये नहीं बोलता। देखिए, अक्सर बहुत लोगों के बात पता नहीं है, अक्सर लोगों को लगता है कि हम जो पाकिस्तान है वो कश्मीर मांग रहा है और पाकिस्तान कश्मीर को ले लेगा। लेकिन आपको पता है रियलिटी में पाकिस्तान कभी ये बोलता ही नहीं है कि कश्मीर हमको दो, वो ये बोलता है कि कश्मीर को आजाद करा दो। बहुत ज्यादा चालाकी करता है ये, तभी तो इंडिया नेगोशिएट नहीं कर पा रहा है। अगर पाकिस्तान बोले क्योंकि भैया ये तो भारत का हिस्सा है ना, आजाद कश्मीर या POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये तो भारत का है, ठीक है। पाकिस्तान ने ये थोड़ी ना ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि ये हमारा है, नहीं, ये भारत का है। अब पाकिस्तान इसको मानता नहीं है तो भारत कैसे उससे नेगोशिएट करे? वो बोलता है कि ये तो आजाद कश्मीर है, ये हमारा नहीं, ये तो आजाद कश्मीर है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी हुई है। ऊपर से चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो है CPEC, वो उधर से जा रहा है, पूरा POK को कवर करते हुए जा रहा है। अब भारत के लिए तो दुगनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये तो भारत का हिस्सा है ना, तो फिर भारत कैसे जाने देगा? तो आप समझ रहे हैं ना, बड़ा डायलेमा है भारत के खिलाफ, और ये पाकिस्तान बड़ा चालाक है, ठीक है ना। लेकिन चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए, कश्मीर है हमारा, था और रहेगा, ये तो जग जाहिर बात है। उसके बाद दोस्तों बलूचिस्तान की बात करें तो क्वेटा, ठीक है, क्वेटा। गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो गिलगित। उसके बाद फिर इस्लामाबाद तो कैपिटल ही है पाकिस्तान की। उसके बाद खैबर पख्तूनवा की बात करें तो पेशावर, पंजाब की बात करें तो लाहौर, और सिंध की बात करें तो कराची। ये कैपिटल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और मैक्सिमम जगह यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आसमा जहांगीर ने खुद बोला था कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो खुद से ही वॉर लड़ रहा है। मुझे जनरल VK सिंह का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दोस्तों, स्टेटमेंट क्या, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था और उन्होंने ये बोला था कि एक बार क्या हुआ कि एक पड़ोसी ने अपने घर में बहुत सारे चूहे जो हैं, मतलब चूहों को पालना शुरू किया और उनकी उनको बढ़ाना शुरू किया, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा है कि बगल में जो उसका पड़ोसी था वो बड़ा अमीर था, तो जो दूसरा पड़ोसी था वो बड़ा जलता था, इसलिए उसने चूहों की तादादों को बढ़ाना शुरू किया ताकि उन चूहों को वो बगल में भेजेगा। तो चूहे वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि उसी के ही घर को बर्बाद कर दिया। वो जो चूहे हैं वो आतंकवादी हैं, और वो जो घर है वो पाकिस्तान है, और वो जो पड़ोसी है वो भारत है। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए दोस्तों। लोग कहीं के बुरे नहीं होते हैं, पाकिस्तान के लोग भी खुद भी बहुत ज्यादा परेशान है, तभी तो वहां पे रिवोल्ट हो रहे हैं, और तभी तो आसमा जहांगीर, अब वो बेचारे क्या करें, वहां के लोग करें क्या, क्योंकि पूरा का पूरा पाकिस्तान का कंट्रोल तो पाकिस्तान आर्मी और ISIS का है, तो वो क्या करें। देखिए, भारत और पाकिस्तान एक है, मिट्टी एक है, लोग एक है, सब एक है, अलग तो है नहीं। आजादी के पहले तो हर कोई एक साथ लड़ता था, आजादी के बाद सब गड़बड़ कर दी, वो तो ब्रिटिशर ने पूरा डिवाइड एंड रूल का खेल खेल दिया। तो ये चीज जरा सा देखनी होगी, वरना कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के साथ बहुत खराब हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से, जिस ट्रैक पे वो चला गया है, अंति है उसका जो एंड रिजल्ट है।
तो ये चीज, अब हमारा पड़ोसी है इसलिए हमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है ना। तो ये चीज है। बहरहाल हम आसमा जहांगीर पे आते हैं। 27 जनवरी 1952 में आसमा जहांगीर का जन्म हुआ था। दोस्तों ऐसा है कि इनका परिवार ही, इनके पिताजी भी एक्टिविज्म में थे, इनकी माताजी भी एक्टिविज्म में थी। तो जाहिर सी बात है, जब पिताजी एक्टिविस्ट, माताजी एक्टिविस्ट, तो बेटी तो वैसे ही होगी। तो आसमा जहांगीर बड़ी निडर, आपको बता दूं कि ये बहुत निडर थी। इनकी बेटी बताती हैं कि यहां पे पुलिस जो है पूरी तरीके से हमला कर रही है, कपड़े फाड़ रही है, गालियां दे रही है, लेकिन उसके बावजूद आसमा जहांगीर डट के खड़ी रहती थी। इससे पहले दोस्तों मैंने बायोग्राफी ऑफ मलाला यूसुफजाई को कवर किया था, आपको याद होगा। तो उनका भी कुछ इसी तरीके से ही उनका भी जीवन था। अभी तो हालांकि वो बहुत छोटी हैं और पहले कह रही थी मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, अब वो कह रही थी एक्टिविस्ट बनना है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे वो पॉलिटिक्स में जाए, नई पार्टी बनाए, पाकिस्तान में एक नया दौर शुरू हो और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में अमन चैन कायम हो, दोनों ही लोग बहुत ही खुशी से रहें। ठीक है, बहुत सारे दोस्तों इसके डायनेमिक्स हैं, फिलहाल मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो आसमा जहांगीर जो है 27 जनवरी 1952 में ये पैदा हुई थी। इनके पिताजी जो हैं मलिक गुलाम जिलानी, ये एक सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने पाकिस्तानों के अत्याचार के खिलाफ भर भर के बोला और इनको उसकी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों जब जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का वॉर हुआ था, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, और 1971 में फिर जब भारत ने हस्तक्षेप किया था और पूरा ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान को पूरा लिबरेट कर लिया था, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा था कि मलिक गुलाम जिलानी जो थे वो पाकिस्तान आर्मी के अत्याचार के खिलाफ बोल रहे थे कि बांग्लादेश में जो तुम कर रहे हो, वहां पे जा जाके जो जेनोसाइड कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं। और यहां पे इनको पकड़ के जेल में डाल दिया था, ठीक है ना, हाउस अरेस्ट कर दिया था, मतलब नजरबंद कर दिया था। तो यहां पे ऐसा कुछ था, पाकिस्तान की तो इतिहासी राय कि वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है। अब ऐसा है ना दोस्तों कि अगर 1971 की बात करें, चलिए मैं बता ही देता हूं, 1971 में जुल्फीकार अली भुट्टो, 1971 से लेकर 73, ठीक है, तो ये जो थे प्रेसिडेंट थे, और 1973 से लेकर 77 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे, और उसके बाद जिया उल हक आए 1977 से लेकर 1988 तक। ये जो पूरा एरा रहा है पाकिस्तान का, यहां पे पूरा इस्लामाइजेशन हो गया, यहां पे अजीब और गरीब कानून लाए गए, अभी मैं बात करूंगा, और आसमा जहांगीर यहीं से ही उभर के आई। तो ये तरीका था। तो आसमा जहांगीर, जब इनके पिताजी को नजरबंद किया गया था, तो आसमा जहांगीर उसी समय प्रोटेस्ट उन्होंने करना शुरू कर दिया था कि ये बिल्कुल सही नहीं है। इनकी माताजी भी वुमेन राइट्स के खिलाफ भर भर के बोलती थी। तो भैया ऐसा है, इनकी माताजी का नाम था बेगम साहिबा जिलानी, साबिया जिलानी, तो वो भी वुमेन राइट्स के खिलाफ बोलती थी। तो इसीलिए आसमा का भी नेचर कुछ ऐसा ही था। दोस्तों इनकी जो एजुकेशन है, ये लॉयर है, ठीक है, जाहिर सी बात है जब ये केसेस लड़ेंगी, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो इन्होंने LLB डिग्री ली है पंजाब से, भैया पंजाब का बताया था ना, ठीक है, पंजाब, ये भारत का पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, ये पाकिस्तान का पंजाब है, सबसे बड़ा रीजन है और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी यहीं पे है, जिसकी कैपिटल क्या है, लाहौर, और पंजाब ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो भारत के बॉर्डर से लगता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों इनको बहुत सारे रिकॉग्निशन मिले हैं, ठीक है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इनको बहुत सारे रिकॉग्निशन मिले हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने इनको डॉक्टरेट भी दी है। बहरहाल दोस्तों देखिए हुआ क्या था, पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज, औरतें, बच्चे जो बॉन्डेड लेबर होते हैं, ठीक है, इन सबके कोई राइट्स नहीं है, ठीक है। रिलीजियस माइनॉरिटीज को तो काफी ज्यादा वहां पे, तो अगर वो कुछ भी मतलब करते हैं तो उनके पास तो कोई राइट ही नहीं है, लीगल एड उनको मिलती नहीं। अब दोस्तों जस्टिस जो है वो पाकिस्तान में बहुत आसानी से नहीं मिलती, मुश्किल होता है, क्यों, क्योंकि वहां का जो कोर्ट है, भैया जहां मिलिट्री का दखल होता है आप कुछ कर नहीं सकते, वहां पे जो जज भी हैं वो भी पॉलिटिकल टूल है, मिलिट्री टूल है, वो वही कहेंगे जो मिलिट्री या ISI चाहेगी। अभी जो पूरा का पूरा पनामा केस हुआ और जो पूरा नवाज शरीफ को सजा हुई, उसमें भी आसमा जहांगीर ने बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, इसमें ISI को क्यों इन्वॉल्व किया गया है, ये बिल्कुल गलत है, जो तख्ता पलट हुआ है, और ये मिलिट्री हमेशा करती रही है, जहां वो देखती है पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो उनके हक को मारना शुरू कर रही हैं, वो तुरंत तख्ता पलट कर देती है, ये इतिहास रहा है पाकिस्तान का। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन, इन सबके कोई, वुमेन्स, इन सबके कोई वहां पे राइट नहीं है, इसी राइट्स के खिलाफ आसमा जहांगीर ने लड़ना शुरू किया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा है कि
कि एक लॉ आया था, मैंने आपको बताया ना अभी कि जिया उल हक का जो टाइम था 1977 से लेकर 1988 तक, ठीक है, ये जो 11 साल का था, इसको पाकिस्तान को पूरा एक इस्लाम स्टेट बना दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इस्लाम स्टेट बना दिया था, लेकिन जो लॉ लाए थे वो अजीबोगरीब थे। इसमें एक लॉ था दोस्तों, हुड ऑर्डिनेंस, ठीक है ना, जो कि 1979 में आया था, ये कानून बना था, और ये भयंकर लॉ थे, ये ब्रूटल लॉस थे। इन्होंने किताब भी लिखी, आसमा जहांगीर पे इस पे किताब भी लिखी है कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाता था। देखिए हुड ऑर्डिनेंस था क्या, आपने कोई भी शरिया लॉ था बेसिकली, इसको इंप्लीमेंट किया था, आपने कोई भी गलती की, ठीक है, आपको पब्लिकली मारा जाएगा। अगर आपने चोरी की, ठीक है, मान लीजिए कोई इंसान उसने चोरी की, उसका राइट हैंड काट दिया जाएगा, दूसरी बार चोरी की उसका लेफ्ट हैंड काट दिया जाएगा, तीसरी बार चोरी की आपको जिंदगी भर उम्र कैद की सजा मिलेगी। ऊपर से अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखा, आपने किसी से प्यार किया, तो आपको 100 कोड़े पड़ेंगे और आपको पत्थरों से पीट पीट कर मार डाला जाएगा। यह था हुड। और सबसे खतरनाक जो इसमें प्रोविजन थे, जिसमें जो तो आसमा जहांगीर ने तो पूरी जिंदगी भर वो उस तरह के केसेस को वो लेती रही, वो था रेप केसेस। दोस्तों ऐसा था इस लॉ के दौरान, और पाकिस्तान में कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई विक्टिम है, कोई रेप विक्टिम है, ठीक है, हुड ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूं, इसके तहत क्या था, उसको एविडेंस देना होगा कि आपका रेप हुआ है, सबूत दो। क्या बकवास है, ऐसा कभी होता है, सबूत दो, रेप विक्टिम है, ठीक है, और अगर आप सबूत नहीं दे पाए तो आपको हम जेल में बंद कर देंगे और कोड़े मारेंगे। तो इस तरीके के उल्टे सीधे लॉज जो है, जब वो एकदम लागू किए गए, तो इसके खिलाफ जो है आसमा जहांगीर खड़ी हो गई कि ये तो बिल्कुल सारे के सारे जो राइट्स हैं वो तो छीन लिए गए हैं औरतों से, ये क्या है। तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, ठीक है ना, इन्होंने फिर लीगल एड देनी शुरू की, इन्होंने पूरा का पूरा एसोसिएशन बनाया, और इस एसोसिएशन को वुमेन एसोसिएशन ने पूरा सपोर्ट किया, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में भी इनको सपोर्ट कर रहा था, और ये पूरा प्रोटेस्ट हुआ। अब जब भी पब्लिक प्रोटेस्ट होता था, पुलिस भर भर के मारती थी, अब्यूज करती थी, कुछ नहीं कर सकते थे आप। ये बताती हैं इनकी बेटी जो है, वो एक केस बताती है कि एक बार क्या था कि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज के बारे में भी बोलती थी, जो वहां पे माइनॉरिटीज है उनके, जैसा भी कि मैंने बताया कि माइनॉरिटीज के पास कोई राइट्स नहीं थे, और ये जो 1977 से 1988 तक, ये जो पूरा का पूरा 1979 से लेकर 1988, इनफैक्ट 2014 तक, 2014 तक, ये एक ब्लास्फेमी लॉ बन गया था। ब्लास्फेमी क्या होती है कि अगर भगवान की इंसल्ट की तो भैया ये तो बिल्कुल धर्म के खिलाफ माना जाएगा, और फिर तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता था, जो क्रिश्चियंस है, जो हिंदू है, क्योंकि वो माइनॉरिटी है, ठीक है, कम लोग हैं वहां पे, तो वहां पे अगर वो लोग कुछ भी बोलते थे या नहीं भी बोलते थे, तो एक टूल बना के उनको पकड़ा जाता था, फोर्स कन्वर्जन किए जाते थे, और उनको तो फिर बिल्कुल साफ करने की तैयारी हो जाती थी। ऐसी आसमा जहांगीर ने बताया था, एक बार परवेज मुशर्रफ को लेटर लिखा था कि एक इनकम टैक्स हिंदू इनकम टैक्स ऑफिसर को पब्लिक ने लिंच कर दिया, क्योंकि उसने एक इंसान की दाढ़ी पे हल्का सा कमेंट कर दिया था, ठीक है, तो लोगों ने उसको पीट पीट के मार दिया। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे केसेस आसमा जहांगीर ने लेने शुरू किए और जीती भी। अब जाहिर सी बात है ना, वहां पे जो रेडिकल लोग हैं, वहां के जो कट्टरपंथी है, उनको तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, नहीं आया। आसमा जहांगीर को, आसमा जहांगीर की फैमिली को बहुत धमकियां मिलती थी कि तुमको तो हम मार देंगे जान से, और इनके ऊपर काफी हमले भी हुए, लेकिन उसके बावजूद आसमा जहांगीर जो है वो डटी रही, हटी नहीं, ठीक है ना। कोई भी अगर इनके पास मदद के लिए आता था तो उनकी मदद करती थी ये। तो एक ऐसे ही रिलीजियस माइनॉरिटीज का केस आया था दोस्तों, इनकी जो बेटी है वो बताती हैं कि उनके क्लासमेट ही था एक, 12 साल का लड़का था, सलाम मेसी, वो क्रिश्चियन था। तो क्या हुआ था कि उसके ऊपर ये इल्जाम था कि इसने इस्लाम को इंसल्ट किया, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो अत्याचार हुए, उसके दादाजी को मार दिया गया, और उसकी फैमिली के ऊपर हमले हुए, कोर्ट परिसर के बाहर हमले हुए। जब कोर्ट में आसमा जहांगीर उसका केस लड़ने जाती थी, तो दोस्तों कोर्ट में ऐसा माहौल रहता था कि वहां पे सारे के सारे कट्टरपंथी रहते थे, और इधर आसमा जहांगीर 5 फीट की थी, ये अकेली, जज भी जो थे वो भी मिलिट्री का पूरा सपोर्ट था, सपोर्ट इन द सेंस कि वो एक तरह का पपेट का काम करते थे, ठीक है। तो वहां पे बड़ी दिक्कत होती थी, और आसमा जहांगीर, लोग चिल्लाते थे डेथ डेथ
डेथ, लेकिन आसमा जहांगीर उसके बावजूद अपना बिल्कुल कंपोजर लगते हुए इस केस को लड़ती थी। कितना खतरनाक रहा होगा दोस्तों, लेकिन उसके बाद पीछे ही उसके बावजूद ये पीछे नहीं हटी। 1996 में दोस्तों लाहौर हाईकोर्ट ने यह बोल दिया था कि यहां पे जो मुस्लिम वैसे ही औरतों के पास राइट नहीं थे, और उन्होंने यह बोल दिया कि जो औरतें हैं वो बिना एडल्ट की परमिशन से शादी नहीं कर सकती। अगर जो एडल्ट मुस्लिम वुमेन है, ठीक है, क्योंकि अक्सर होता है ना कि जब भी कोई वयस्क हो जाता है तो उसको ये राइट रहता है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, लेकिन यहां पे लाहौर हाईकोर्ट ने ये बोल दिया कि ऐसा नहीं। अब दोस्तों ऐसा है कि वहां पे जो भी जजमेंट होता है ना, तो लोग उसको एज अ टूल इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे आसमा जहांगीर को पता था कि अगर ये चीज हो रही है तो भैया ये तो घर घर में मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि लोग यहां पे औरतों पे अत्याचार करना शुरू कर देंगे, और ये बिल्कुल भी इसके खिलाफ खड़ी हो गई वो, ठीक है, चैलेंज कर दिया। परवेज मुशर्रफ की जब सरकार आई तो परवेज मुशर्रफ से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि ये जो पूरे कानून है जो बदले जाए, और जो ह्यूमन राइट्स का जो वॉयलेशंस हो रहा है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ जो हो रहा है, बच्चों के खिलाफ, औरतों के खिलाफ जो इतने केसेस हो रहे हैं, इस ऐसा ना हो। तो ये सारी चीजें आसमा जहांगीर जो हैं वो करती थी। 1983 का दोस्तों एक और केस था, साफिया बीबी केस, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा केस था जिसने हिला के रख दिया था दोस्तों। उस समय 1980s में मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, तो हमको पता भी नहीं चलता था सब, तो आज पता चल रहा है हम लोगों को, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या था कि 13 साल की लड़की, छोटी सी लड़की, अंधी लड़की का रेप किया था उसके एम्प्लॉयर ने, जिसने नौकरी दी थी उसे, और उसके बाद बहुत बड़ी ये इशू बन गया था, ठीक है। और यहां पे इंसाफ मिलना चाहिए था लड़की को, लेकिन लड़की को ही जेल में ठूस दिया गया था। तो यहां पे इसका केस जो है ये आसमा जहांगीर ने लड़ा था, और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो एक के बाद एक करके आसमा जहांगीर ने लिए थे। इसीलिए इनको 1987 में लिटिल हीरोइन बोले जाने लगा था। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया जो है इनकी भर भर के बुराई भी की थी। देखिए यहां पे जैसा कि मैंने बताया, लोग तो अच्छे होते हैं, लोगों को पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, अंटेल सब पूरे ही बर्बाद ना हो गए हों, लेकिन लोगों को पता होता है कि क्या सही। तो यहां पे लोगों को पता था कि आसमा जहांगीर जो है वो सही है, ये जहां से जाती थी भैया हीरोइन हो गई थी, बताया ना लिटिल हीरोइन, सब बोलते थे सेल्फी सेल्फी मैम सेल्फी। तो इस तरीके से एक सेलिब्रिटी स्टेटस हो गया था इनका। यूनाइटेड नेशंस के लिए भी काम किया है दोस्तों इन्होंने, और काफी इंटरनेशनल पोडियम्स पे इन्होंने स्पीच भी दी है। भारत से रिश्ते सुधरे ये भी हमेशा से आसमा जहांगीर की कोशिश रही है। 2005 में इन्होंने जेंडर मैराथन भी कंडक्ट करवाया था, ताकि ये जो वॉयलेशंस हो रहे हैं, ये जो अब्यूजेस हो रहे हैं, इसको कम किया जा सके, और इसके खिलाफ ये आवाज है। इस मैराथन पे भी अटैक हो गया था, लेकिन उसके बावजूद नहीं डरी। जब इनको जेल में डाला जाता था दोस्तों, ठीक है, एक प्रोटेस्ट के दौरान इनको जेल में डाल दिया गया था, तो पुलिस तो काफी ब्रूटैलिटी करती थी, ये डरती नहीं थी। लेकिन जेल के अंदर भी जाती थी तो बहुत सारे प्रोटेस्टर्स होते थे इनके साथ, बहुत सारे लॉयर्स, बहुत सारे प्रोटेस्टर्स होते थे, पाकिस्तान के काफी एक्टिविस्ट होते थे, काफी लोग इनके साथ जुड़ते थे। तो जब इनको जेल में लेके जाया जाता था तो जेल में ये हड़कंप मचा देती थी, ठीक है ना, कि परेशान करके रख देती थी, नारे जेल के अंदर लगा रही है। और ये तो भैया सुपरिटेंडेंट है, जब भी ये जेल से छूटती थी सुपरिटेंडेंट बड़ा खुश होता था कि कम से कम अब ये सारी चीजें नहीं होगी। आसमा जहांगीर बताती है दोस्तों, जेल तक में रेप होते थे, जी हां, औरतों को गिरफ्तार करके सामने पुलिस ऑफिशियल्स के रेप किए जाते। तो इस तरीके की दरिंदगी कुछ इस तरह की थी। तो AGHS, ये पूरा जो लीगल एड जो इनकी इंस्टीट्यूशन है, आसमा जहांगीर हमेशा बिलीव करती थी कि जितने हो सके इंस्टीट्यूशन बनाओ, और ये इंस्टीट्यूशन जो है ये लोगों के हथियार साबित होंगे। तो इन्होंने एक शेल्टर होम भी बनाया था औरतों के लिए, शेल्टर होम दस्तक जिसका नाम था, वो भी बनाया था कि अगर कोई भी औरत पीड़ित है तो यहां पे शरण ले सकती है। और इन्होंने बहुत सारे लोगों को लीगल एड दी थी, ठीक है, जिसमें जिसको पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी साथ था, और जो इंटरनेशनल पोडियम्स है, और पाकिस्तान भी साथ दे रहा था, लेकिन भैया सरकार साथ नहीं थी, सबसे बड़ी दिक्कत ये। और अगर सरकार साथ नहीं है तो लड़ाई बड़ी लंबी चलती है। परवेज मुशर्रफ ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी, आप सभी को पता है, 2007 में इसको पूरा का पूरा लागू कर दिया था। तो इसमें जितने भी लोग थे जो पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे थे या जो कह रहे थे कि ये सब, सबको एक एक करके सबको या तो हाउस अरेस्ट किया गया या फिर सबको जेल में डाला गया, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको जेल में डाला जाने लगा, लेकिन दोस्तों इनकी आवाज जो है वो कभी भी बंद नहीं हुई। अगर पब्लिक इमेज की बात करें दोस्तों, तो मीडिया में
डॉन जो वहां का सबसे पुराना और सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर और सबसे क्या कहते हैं कि जाना माना न्यूज़पेपर है पाकिस्तान का, तो वो भी जो है इनको बहुत आड़े हाथों लेता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। और कई लोग तो इनको बोलते हैं कि ये ट्रेटर है, ये गद्दार है, ये एंटी नेशनल है, ये अमेरिका की एजेंट है, और ये पूरा कैलकुलेटेड एग्रेशन है इनका। ये जो पूरा देखिए, आसमा जहांगीर की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पब्लिक को कन्विंस कर लेती थी कि ये तुम्हारे साथ सही हो रहा है। पब्लिक को कन्विंस क्यों करती थी? क्योंकि उनके साथ सच में गलत हो रहा होता था, वो सब देखते थे, सब कुछ आंखों के सामने था कि वहां पे क्या हो रहा है, तो पब्लिक को ये पूरे अच्छे से कन्विंस कर लेती थी। तो इसीलिए अब जो वहां का भी मीडिया है, पाकिस्तान का भी मीडिया है, तो वहां पे भी जो पूरा क्या कहते हैं कि वो सब कुछ मिलिट्री के दबाव में है, वहां पे पाकिस्तान में सब ISI के दबाव में है, ठीक है। तो वहां का भी जो इनकी इमेज थी वो बहुत अच्छी कोई पॉजिटिवली पोर्ट्रे नहीं होती थी, ठीक है ना। लेकिन यहां पे भी कुछ लोग सपोर्ट करते थे, कुछ मीडिया हाउसेस बिल्कुल सपोर्ट करते थे आसमा जहांगीर का, और कुछ बिल्कुल भी नहीं सपोर्ट करते थे। इंटरनेशनल कम्युनिटीज का इनको बहुत ज्यादा साथ मिला, राइट टू लाइवलीहुड अवार्ड मिला ना इनके, है कि नहीं इनको। तो ये चीज थी, यूनाइटेड नेशंस के लिए भी दोस्तों इन्होंने काम किया है। और उसके बाद दोस्तों ऐसा है कि इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जब इनको हाउस अरेस्ट किया गया कि जनरल मुशर्रफ ने अपने मार्बल्स खो दिए हैं, और सही बोला तो आसमा जहांगीर ने, क्योंकि उसके बाद मुशर्रफ जो है वो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी सत्ता जो है वो खो दी। आसमा जहांगीर की बात करें दोस्तों, तो पिछले साल ही 11 फरवरी 2018 को इनको स्ट्रोक पड़ा, और 66 साल की थी ये, 66 साल की थी। और इनके बच्चे भी एक्टिविस्ट हैं, जी हाँ, इनके बच्चे भी इंटरनेशनल पोडियम पे बहुत स्पीच देते हैं। तो ये पूरा फैमिली ही है, और ये चलती जाएगी। और भैया हम तो यही चाहेंगे कि पाकिस्तान की सिचुएशन सुधरे और भारत के साथ अमन चैन जो है वो काबिज हो। ऑथर बहुत अच्छी रही है दोस्तों, आप चाहें तो ये बुक्स पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने तो नहीं पढ़ी है, ठीक है। डिवाइन सैंक्शन, द हुडहुड ऑर्डिनेंस, और चिल्ड्रेन ऑफ अ लेसर गॉड, प्रिजनर्स ऑफ पाकिस्तान, ये आप पढ़ सकते हैं। ये दो बुक्स जो है वो आसमा जहांगीर ने पढ़ी है, रियलिटी को दर्शाया है कि भैया रियल सिचुएशन क्या है। तो ये चीज थी, आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आसमा जहांगीर एक लेजेंड थी और बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन। जब इनकी मौत हुई थी दोस्तों, तो फ्यूनरल बहुत बड़ा था इनका, और इतने लोगों ने उस फ्यूनरल को अटेंड किया था, क्योंकि दोस्तों उनके ऊपर से तो साया उठ गया था ना, बहुत सारे लोगों, कितने पेंडिंग केसेस थे, और बहुत सारे लोगों के लिए उम्मीद थी कि मेरा केस ये लड़ रही है, बहुत सारे लोगों के केसेस ये लड़ रही थी, और बहुत सारे लोगों को लीगल एड दे रही थी। तो जब इनकी मौत हुई तो लोग तो बहुत घबरा गए कि अब उनकी आवाज कौन सुनेगा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने बहुत सारे डजन्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं जो लोगों की आवाज को सुन रही है। वहां पे पाकिस्तानी एक्टिविस्ट लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और हम तो उनको शुभकामनाएं देंगे कि भैया ये सब जितनी भी चीजें हैं, इंसानियत अगर बच पा रही है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। आशा करता हूं दोस्तों लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जरूर शेयर करिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।